ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज के इस प्यारे से दिन की शुरुआत करते हैं। आइए बाबा से अरदास करते हैं, बाबा से विनती करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं। और जिनके मन में भी जो इच्छा है, जो करना चाहते हैं, आइए उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरों की हम सेवा कर पाएँ, किसी के हम काम आ पाएँ, ऐसा अपने आप को सक्षम बनाने के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। और जब बाबा का आशीर्वाद होगा तो हम वो भी कर जाएंगे जिस करने की हमें उम्मीद नहीं है, जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हम कर सकते हैं, वो हम अपने बाबा के आशीर्वाद से कर सकते हैं। तो चलिए आइए साईं चरणों में बैठ कर आज की प्रार्थना शुरू करते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। और मन ही मन अपने बाबा को याद कीजिए, मन ही मन अपने साईं को बुलाइए, बाबा को अरदास कीजिए कि देवा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, कबूल करना, दया करना, रहम करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना बाबा। और अपने मन को ऐसा बनाइए कि जो विचार आपको निराशा की तरफ ले जाएं, मतलब जिसे सोचकर आपको दुख हो, उन विचारों को सोचो ही मत, उन विचारों को अपने मन में प्रवेश ही ना होने दो। क्योंकि जो हम निराशा की तरफ जाते हैं तो हमें सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लगता है कुछ हो ही नहीं पाएगा अब, है ना। तो ऐसे विचार कई बार क्या होता है, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो खुद नेगेटिव होता है, तो वो हमें हमारे साथ ऐसी ही बातें करता है कि हम बिल्कुल ही अपनी आशा ही छोड़ देते हैं, हमें भी लगने लग जाता है कि नहीं कुछ नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहें। ऐसा अपना प्रभाव रखिए कि आपका अच्छा प्रभाव किसी पर पड़े, किसी का बुरा प्रभाव आप पर ना पड़ पाए, इतना अपने आप को सक्षम बनाइए, ठीक है। क्योंकि जो गलत चीज़ें होती हैं ना, इंसान पर जल्दी प्रभाव करती हैं, अच्छी चीज़ों को होने में वक्त लगता है, अच्छे कार्य को होने में वक्त लगता है ना, लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं वो जल्दी ही प्रवेश करते हैं। तो ऐसे विचारों को अपने आप से दूर रखिए जो आपके मन में भी अंधेरा कर दें और ज़िंदगी में भी। अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलने की कोशिश कीजिए, प्रकाश से अंधेरे की तरफ मत जाइएगा। और ये देखिए, कुछ तो भगवान की कृपा होती है और कुछ कहीं ना कहीं हमें खुद भी करना पड़ता है। जब हम करेंगे तो वो मदद करेगा, जब हम करेंगे नहीं तो वो मदद कैसे करेंगे हमारी, है ना। जब हम अच्छा अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो तभी तो अच्छा होगा, जब हमने बीज ही नहीं बोया तो फसल कैसे होगी भाई, नहीं ना। इसलिए हमें अच्छे बीज बोने हैं, हमें रास्ता साफ करना है ताकि कांटे कहीं रह ना जाए, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को भी इतना सक्षम बनाना है कि हमसे गलती हो तो ऐसी ना हो कि किसी को तकलीफ दे दे। गलती तो सबसे होती है, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें गलती होना ये छोटी सी बात है कि सबसे हो जाती है, लेकिन गलती ऐसी होनी चाहिए कि उसका किसी पर प्रभाव ना पड़े, ना हम पर ना किसी और पर। झूठ भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। छोटे मोटे झूठ चलो हर इंसान बोलता है, लेकिन झूठ से किसी का नुकसान हो जाए वो गलत है, ठीक है। तो अपने आप को इतना ढाल दीजिए उस चीज़ में कि आपसे कभी गलत कार्य हो ही ना, अगर हो तो आप उनसे सीखकर उन्हें आगे ना होने की अपने आप में एक उम्मीद करें कि बाबा मैं आगे से नहीं करूँगा, आगे से नहीं होना चाहिए मुझसे ये, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने अंदर ठान लेते हैं ना तो हम कर भी लेते हैं, जब तक ठानते नहीं हैं तब तक करने की कोशिश भी नहीं हो पाती है। आपने भले ही कहते ना कि हमें कर्मों का फल मिल रहा है, तो भले ही पहले कैसे कर्म किए हैं तो कई बार तो नहीं इंसान जान पाता, लेकिन आज देख लो, आज तो भगवान का नाम ले सकते हैं ना। हम कैसे भी हैं पर यदि हम उनकी चर्चा करेंगे, अपने मालिक की चर्चा करेंगे, भगवान की बात करेंगे, जहाँ पर बैठकर हम दूसरों की बात करते थे वहीं अगर भगवान की चर्चा करनी शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे तो बदलती है ज़िंदगी, हम कहते कैसे बदलाव आएगा, अरे ऐसे ही तो आएगा। जो गलत करते थे उसको सही करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात कहते हैं, निंदा ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, पर कुछ लोगों की आदत होती है, वो करते भी हैं और दूसरों को ज़बरदस्ती सुनाते हैं, अरे बैठो तो सही, है ना। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है।
और जब ऐसे लोग मिल जाए ना तो उन्हें अपनी बातें कीजिए, अपने प्रभु की बातें कीजिए, अपने भगवान की बातें कीजिए। वो आपसे दूसरों की करे, आप उस पर भगवान की छेड़ दो कि अरे नहीं मेरे बाबा तो ऐसे हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हैं बातें बाबा की तरफ से, फिर जो भी भगवान को आप मानते हैं। क्योंकि देखिए उसको भगवान की बातें पसंद नहीं आएंगी, और जब उसको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी वो खुद ही वहाँ से चला जाएगा, है ना। नहीं गया तो आप चले जाओ, छोड़ दो उस चीज़ को जो आपको गलत राह पर लेकर जाती है, हटा दो उस बात को जो आपको भरती ही नेगेटिविटी से है, ठीक है। ये कोशिश है, छोटी छोटी करेंगे तो ज़िंदगी बदलती है। बस लगता है कुछ नहीं होगा, जहाँ पर लगता है ना कुछ नहीं होगा वहीं बहुत कुछ हो जाता है कई बार। इसीलिए हर चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, कई बार छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े रास्ते खोल देती हैं, बहुत बड़े राह तक ले जाती हैं। हम कहते हैं इससे क्या होगा, अरे उससे बहुत कुछ होगा। आप कभी भी अपना मौका मत खो देना, मौके को पकड़ कर चलिए, पता नहीं कब ज़िंदगी बदल जाए, ठीक है। बाबा की कृपा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि देखिए आज के वक्त में बहुत कम लोग खुलकर हंसते हैं, मन से हंसते हैं। कई लोग तो यूं ही बस हम दूसरों को दिखाने के लिए हंस दिए ना, लेकिन प्लीज़ जब बाबा के सामने बैठो ना, थोड़ा उनसे बातें करके हंसना शुरू कीजिए, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है। जब आप हंसते हो ना तो आपको खुशी मिलती है, इसलिए खुशी ढूंढिए, अपने आप को भी खुश करने की खुशी ढूंढिए। वो कोई ऐसा टॉपिक ढूंढ लो जिससे खुशी हो जाए, मतलब हम भी खुश हो जाए और सामने वाला भी, ठीक है। क्योंकि दुख तो बहुत है, सबकी ज़िंदगी में दुख है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे दुखों का सामना ना कर रहा हो, सब दुख झेल रहे हैं। पर दुख को साइड करके कहीं खुशी भी तो है ना। आइए खुश होते हैं और इस बात का एहसास करते हैं कि बाबा बैठे हैं तो हम क्यों निराश हों। लेकिन हाँ, मेहनत हमें करनी है, दया वो नाथ करेंगे, दया बाबा करेंगे, वो हमारी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ठीक है। इसलिए आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो, अपने आप को ही चार्ज करना पड़ता है। जब हमारे पास दूसरा कोई साथी नहीं होता ना हमें समझाने के लिए, तो खुद का साथी खुद बनना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको सच्चा साथी मिल ही जाए, है ना। और अगर कोई ना मिले ना, तो ये बाबा बैठे हैं ना, इससे बड़ा अच्छा साथी कौन सा होगा। ये तो ना आपको धोखा देता है, ना आपको झूठ बोलता है, ना आपका साथ छोड़ता है। किधर भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह आपके साथ है जब आप इसके साथ रहते हो ना। और जब भी आप बाबा से बात करोगे ना, एक चीज़ नोटिस करना, यदि आपका दिल सच्चा है और आपकी भक्ति सच्ची है, तो आप जब भी कभी साईंनाथ से बैठ कर बात करोगे आप रो दोगे, आपकी आँख में आंसू झलक जाएगा, किसी प्रकार भी झल के वो आ ही जाएगा। ये सच्चे प्रेम की निशानी है, क्योंकि इंसान उसी के सामने रोता है जिससे प्रेम करता है। सबके सामने आंसू नहीं आते हमें, तो वो ये प्यार है। बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है सबके साथ ही होता है। आप बाबा से बात करोगे आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाओगे, ऐसा लगेगा अरे वो सुन रहा है, ठीक है। तो इसलिए बाबा से बात करने की कोशिश कीजिए, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं साईंनाथ। तो चलिए अब हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। बाबा से बात कर ली तो है, और आज गुरुवार आप सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया देवा, आप हमें इतनी अच्छी सीख देते हो, इतना अच्छा सिखाते हो और हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बाबा प्यार करते रहना, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना, और सदा सदा हमारी भूलों को माफ़ करके हम पर आशीर्वाद किए रखना। बाबा रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो आज की प्रार्थना के जो नाम है बाबा के चरणों में आइए रखते हैं। और बाबा नेम है हे साईंनाथ, मैं जो नाम लेने जा रही हूँ बाबा, इन पर कृपा करना, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो इनके नाम हैं क्रिश जी, कृष्ण कुमार जी, राजू जी, रविंद्र जेना जी, मनोज काउन कलिहारी जी, महेंद्र खत्री जी, शकुंतला जी, संजू जी, अनिल जी, जतिन जी, ओमोंगू जी एंड ऑल फैमिलीज। हे देवा, नाम लेने में मुझसे गलती हो जाए आप समझ लीजिएगा, दया कीजिएगा। तो ये कुछ नाम हैं प्रेयर के जो साईं चरणों में हमने आज रख दिए हैं। तो चलिए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा इनकी श्रद्धा की लाज रखना, इन पर कृपा करना, दया करना, रहम करना, और
इनके जीवन में जो भी संकट हो उसे दूर करना, परेशानी को दूर करके, समस्याओं का समाधान करके मेरे बाबा जीवन में खुशियों का आगमन हो, हमारी आपके श्री चरणों में आपसे यही प्रार्थना है। तो बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, आप लोग चिंता नहीं करना, ठीक है। बाबा बैठे हैं और ओमोंगू जी का बर्थडे है। ओमोंगू जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं मेरे साहब को हमेशा खुश रखे, हैप्पी हेल्दी रखे, बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, आपका जीवन सदा सुखमय हो और जो भी आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, साईंनाथ उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें, आपका हर सपना पूरा हो और आपको लंबी आयु मिले और उतनी ही जीवन में खुशियाँ, उतनी ही सक्सेस मिले, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और बच्ची गुरकीरत कौर का बर्थडे है। गुरकीरत को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा इस पर अपनी कृपा करना, आपकी बच्ची है, आशीर्वाद देना और लाइफ में बहुत सक्सेस करे, बहुत आगे बढ़े, अपना, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करे, हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा बच्चे पर कृपा करना, रहम करना, बच्चे को लाइफ में बहुत सक्सेस मिले, बहुत आगे बढ़े और हमेशा इसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे, मेरी आपसे ये प्रार्थना है। तो बच्चे गुरकीरत और उनकी पूरी फैमिली को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और अब हम पढ़ेंगे बाबा जी के 11 वचन और उसके बाद धरती जी का एक प्यारा सा अनुभव है जो कि वो हमेशा शेयर करती रहती हैं। जब भी बाबा उनके साथ कोई भी लीला करते हैं वो तुरंत मेरे को मैसेज करती हैं, तुरंत मेरे को कभी रिकॉर्डिंग सेंड करती हैं, तो उनकी मुझे याद बहुत अच्छी लगती है क्योंकि लीला शेयर करने में वो पीछे नहीं रहती हैं। तो धरती जी बहुत 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 बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मेरी आपके लिए बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है। तो धरती जी का जो भी मैसेज है वो हम आपको दिखाएंगे 11 वचनों के पढ़ने के बाद, क्योंकि वो थैंक्स का मैसेज है बाबा के लिए, तो वो हम 11 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं बाबा के चरणों में 11 वचन। आइए साईं, बाबा हम पर आशीर्वाद बनाना, रहम करना, दया करना। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज, योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के वचन सुनकर कितना आनंद आता है ना, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं सामने खड़े होकर अपने वचन सुना रहे हैं और हम बाबा के चरणों में बैठकर बाबा के वचन सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच बाबा, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और इतना आशीर्वाद देने के लिए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रार्थना में भी सुकून मिलता है। और चलिए अब दिन शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले धरती जी का मैसेज देखते हैं, धरती जी ने क्या लिखा है। तो उनका जो प्यार है बाबा के लिए वो हम आपको पढ़ के भी सुनाएंगे, जो पढ़ नहीं पाएंगे वो सुन लीजिए और जो पढ़ लेते हैं वो आप पढ़ लीजिए। तो धरती जी लिखते हैं, हाय दी, मेरे साथ एक लीला हुई है, बस बाबा को मैंने मनोकामना प्रेयर की कि बाबा प्लीज़ मेरी टेंशन दूर कर देना और आज भाई दूज पे बाबा ने मेरी सुन ली। हे मेरे साईनाथ, बाबा आपने साथ निभाया है, बाबा लव यू, थैंक यू माई एवरीथिंग। तो ये थी इनकी प्यारी सी छोटा सा थैंक्स बाबा के चरणों में, बस बाबा ने इतना ही कबूल कर लिया, आपने किया जती जी, उन्होंने कबूल कर लिया, आपकी हाजिरी, आपकी अरदास साईं चरणों में मंजूर हो गई। बस ऐसे ही बाबा सब पर कृपा करते रहे और सबकी विशेज ऐसे ही पूरी होती रहें। किसी के लिए कल्पना है तो किसी के लिए चमत्कार है, किसी के लिए विश्वास है, हमारे साईं हमारे लिए बहुत खास हैं। तो चलिए, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आज का दिन शुरू कीजिए प्रार्थना करके और 12:30 बजे हम बैठेंगे बाबा के चरणों के लिए, ज़रूर मिलेंगे, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी, तो फिर मिलते हैं 12:30 बजे नाम जाप के साथ। तब तक के लिए जय जय साईं राम।